देखिए गाइस, जब भी हम WWE में किसी डरावने खिलाड़ी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में आता है अंडरटेकर, केन, बोगीमैन। जब भी हम कोई जायंट खिलाड़ी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में आता है बिग शो, ग्रेट खली, मार्क हेनरी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। वो बड़ा भी था, वो डरावना भी था। मैं बात कर रहा हूँ बिग डैडी वी विस्सरा मेबल की। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम असल जिंदगी में था नेल्सन फ्रेजियर। अच्छा, जिन्होंने मेबल कैरेक्टर से WWE में शुरुआत करी। फिर उसके बाद फेमसली उन्होंने 1995 का किंग ऑफ द रिंग भी जीता। उसके बाद उन्होंने अंडरटेकर का फेमस ग्रुप मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस ज्वाइन किया। उसके बाद वो बने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लव मशीन बिग डैडी वी। और उसके बाद 2014 में हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।